गुजरात के अहमदाबाद में सोशल साइट पर अफवाह फैलाना चार लोगों को महंगा पड़ गया। अमित शाह की सेहत को लेकर वायरल हो रही पोस्ट के मामले में गुजरात क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद और भावनगर से चार लोगों को हिरासत में लिया है। सोशल साइट पर अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं। गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने ऐसे चार लोगों को हिरासत में लिया है जिन पर सोशल साइट पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की अफवाहें सामने आ रही थी। इसी अफवाह को फैलाने के आरोप में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद और भावनगर से चार लोग सरफराज मेमन, फिरोज पठान, सज्जाद अली, सिराज हुसैन को हिरासत में लिया है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से और सिराज हुसैन मोहम्मद अली वीरानी ये भी भावनगर से। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच खुद अमित शाह सामने आए और ट्वीट कर जानकारी दी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई, यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत दो दिनों से काफ़ी चिंता व्यक्त की, उनकी चिंता को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौर में ऐसे अफवाहें फैलाने वालों का बाजार और तेज हो गया है। ऐसे में गृहमंत्री पर वायरल हो रही खबरों पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा, गृहमंत्री अमित शाह जी के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। फिलहाल ये साबित नहीं हो पा रहा कि ये पोस्ट किसने बनाई है। हालांकि झूठी खबर को फैलाने में चारों आरोपियों का हाथ माना जा रहा है।